हमारे पीछे सब जोर लगा है तब भी आगे नहीं निकल पा रहे, ये देखो आगे स्लिप स्ट्रीमिंग करके 117 136 भाई बनो बन बैटल जब होगा ना इसका तब मजा आएगी भाई। क्या हाल चाल? हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन अनदर वीडियो अनदर ड्रैग। तो गाइज आज हम लोग करने वाले हैं कॉर्ड बैटल, जिसमें कि हमारे पास जो आई अभी बजाज की तरफ से, मतलब इसको थोड़े बहुत चेंजेस किए गए बजाज की तरफ से, जो N160 आती है उसमें चेंजेस किए गए, जिसमें कि देख लीजिए गोल्डन कलर के डाल दिए गए USD फॉक्स, और ये नई दे दी गई है कलर स्कीम्स, और ये दे दिया गया इनमें LED मीटर, जिसमें कि TFT मीटर, जिसमें कि ABS के मोड भी दे दिए गए, जैसे यहाँ पे देखिए लिखा होगा, अरे ऐसे हो जाते हैं रेन ऑफ रोड और रोड, तीन टाइप के ABS मोड दिए गए हुए हैं। बाकी इसकी अगर सेपरेट वीडियो देखनी है तो इससे सेपरेट वीडियो इन सारी बाइकों के साथ पड़ी हुई है हमारे चैनल पर, जाके देख लीजिएगा। और ज़रा इस N160 की बात करते हैं, तो पहली चीज़ आपको बता दें कि ये सिंगल स्पार्क प्लग के साथ आती है, वो डुअल स्पार्क प्लग के साथ आती है, ये एयर कूल्ड है, N160 पुरानी वाली ऑयल कूल्ड थी, ये एयर कूल्ड कर दी गई है, तो ये थोड़ी ज़्यादा हीट करेगी। तो गाइज अब चारों बाइकों की पावर की बात कर लेते हैं, तो जो N160 है ये वाली, इसमें 16 PS पावर एंड 14.5 Nm टॉर्क है, और सेम इधर पुरानी वाली N160 में भी यही पावर है, 16 PS पावर एंड 14.5 Nm टॉर्क। अगर पाचे की बात करते हैं तो इसमें 17.5 PS पावर है, 17.5 PS पावर एंड 15 Nm टॉर्क है, इसमें भी ये नई वाली है, कलर इसका पुराना है, बट इसमें भी जो मोड वोड दिए गए थे वो वाली है, जिसमें कि मोड्स आ गए थे, तो मोड्स की तरह भगाएंगे। इसमें भी रेन, अर्बन और स्पोर्ट तीन तरीके के मोड दिए गए हैं। ये खड़ी हुई है हमारे पास अपाचे 2V 180, ये देखिए 180 लिखा हुआ है, और ये इस वाली मीटर वाली है, इसमें कोई मोड वाले नहीं, इससे जो अपडेट मॉडल था उसमें ये वाला मीटर और LED लाइट्स वाइट दे दिए गए थे। और अगर इसकी बात करी जाए तो ये भी ऑयल कूल्ड है, तो इसकी बात करते हैं अगर तो इसमें भी लगभग 17.5 PS पावर एंड 14.5 Nm के टॉर्क के आसपास आती है। तो चलिए शुरू करते हैं ड्रैग को, मिलते हैं ड्रैग बाइक पे, और इन सब के ऑन रोड प्राइस जो है वो मैंने अपने सेपरेट वीडियो में बता रखा है। बाकी सेपरेट वीडियो जो इनके N160 के साथ सारी वीडियो पड़ी हुई है, इसमें सही तरीके से मैंने बता रखा है, ये कॉर्ड है, तो एक ऐसे सारी बाइकों की पावर टेस्ट करने के लिए हम लोग कॉर्ड करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ड्रैग को, मिलते हैं ड्रैग बाइक पे। सबको हरा दूंगा, मैंने ली रखी है 180। ये सब बच्चे हो जाएंगे अभी मेरे सामने, हम तो बस भाई भाग रही है तकड़ी, 100, 102, 103, 104, 106, 107, 108 भाई, और बनाओ रैप्टर आगे निकल गया N160 लेके, पुरानी वाली N160 आगे, और मैं बिल्कुल तफरी में भगा रहा हूँ, तब भी बहुत पीछे है ये, अभी तो मैं सीरियस बना भी नहीं रहा, मैं आके देख भी नहीं रहा हूँ, और बताओ सब पीछे सब के सब। साला बिन ब्लास्ट इतनी तेज है कि क्या बताऊं, 112 113, देख रहे गाइस कहां जो गाड़ी 136 137 जाती है वो देखिए कहां, 104 115 116। थोड़ा बहुत हो गया मजाक, अब इन सबको पीछे करना पड़ेगा, और ये देखो मैंने कर दिया सबको पीछे, क्या करोगे रे, 17 के ऊपर गाइस जा ही नहीं रही है, ज्यादा गैप मेंटेन नहीं है, लेकिन वही बात है ना भाई, ये जा नहीं रही है, 119 20
और वो लेके आ रहा पाचे फोर भी बहुत तेजी से। भैया N160 टक्कर दे रही है, बट पावर तो है ही है 180 सीसी में, पर यार ये भाग नहीं रही। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा यार, 117-118 भाग रही है, 120 चली गई। इधर गई मैं ले गए, भाई आ गई तीसरे नंबर पे भाई, लल्लन टाप चल रही है भाई। है भाई 117-136 भाई, बनो बन बैटल जब होगा ना इसका तब मजा आएगी भाई। स्लिप स्ट्रीमिंग करके साला गौरव आगे आ रहा बार बार। ये बढ़िया भाग रही है, ये बढ़िया भाग रही है, नई वाली N160 नहीं आ रहा भाई, लिंटर हिट ही नहीं कर रहा, इसमें भी नहीं आ रहा, गजब भाग रही है भाई। छोड़ दो भैया हम इसको चलाएंगे। तो देखा आप लोगों ने गाइस, ये वाली जो थी सबसे आगे थी 180, पर भाग 120 रही थी यार, कुछ समझ में नहीं आया। गौरव ये कितनी ले गए थे तुम, कितनी ले गए थे? अच्छा मीटर ही नहीं खुला है इसका गाइस, मीटर नहीं खुला हुआ इस बात का, कंपनी से आई हुई बाइक है, 0-0 किलोमीटर चली हुई है और ये चलाने जा रहा 4V और ये चलाएगा N160। 180 हमारा ही हॉर्न ने सुनाई दिया गाइस मुझे। इसका 8,500 पे लिमिटर आ रहा है, 8,000 पे नहीं, 8,300 के आसपास लिमिटर आ रहा है। गौरव बगल में 180 चला रहा है, ले रहा है मजे, तो कह रहा भगाओ। भाई पर 160 जो है N160 भाई अपाचे 180 को टक्कर दे रही है। बहुत बड़ी बात है गाइस, बहुत बड़ी बात। अबे सब बहुत पीछे है बे, अबे अपाचे पीछे है बे, अपाचे पीछे सब जोर लगा है तब भी आगे नहीं निकल पा रहे। ये देखो आ गया स्लिप स्ट्रीमिंग करके, अब स्लिप स्ट्रीमिंग मैं कर नहीं सकता क्योंकि मैं उसके बराबर ही हूँ, तो स्लिप स्ट्रीमिंग क्या करूँ, फिर मेरा आगे निकल गया भैया, मैं आगे निकल गया, फिर गौरव स्लिप स्ट्रीमिंग करेगा। सब बहुत पीछे है गाइस, बहुत पीछे, गौरव स्लिप स्ट्रीमिंग कर रहा था वहां के, और वो सॉफ्ट कॉर्नर ले लेगा। N160 लॉन्ग कॉर्नर में भी आगे है, और बताओ
ओहो गाइस, खींचते खींचते एक्सीलेटर हाथ दर्द होने लगे। ब्रेक नहीं लगते हैं क्या? पता नहीं भाई, वो सबसे आगे आगे चला जाता है। अबे भाई क्या परफॉर्मेंस है, तुम्हें स्लिप स्ट्रीमिंग करनी पड़ रही है इससे। इसको मीटर खोलते पता नहीं कितनी जा रही है। लेकिन यार ये गजब भाग रहा है भाई। ब्लास्ट भी कम हो तो भाई ये बिन है, बिन जा हो जाएगी, ये जीत है भाई। इतनी वो जो तरह से वो बनी हुई है ना, सीधे ब्लास्ट पड़ा है, इससे पता है वही तो 180 होने के बाद 120 जा रही है। तो गाइस अभी आप लोगों ने देखा था कि जब मैं अपाचे 180 चला रहा था तब भी मैं आ गया था, और जब N160 चला रहा था नई वाली तब भी आ गया था। बाकी अगर बात करते हैं तो N160 भाई जो नई वाली है, इसमें लिमिटर विमिटर नहीं दिया गया है, तो काफ़ी तगड़ी परफॉर्मेंस है। मतलब लिमिटर दिया गया पर एक लिमिट के बाद दिया गया हुआ है, तो इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है N160 की। पुरानी वाली तो N160 पीछे थी, और जैसे कि जो एक तरीके से वो देखा जाए रिज़ल्ट, तो तुम सबसे पीछे थे ना, तुम कौन सी लिए हुए थे? अपाचे 4V लेके सबसे पीछे, उसके लगा के रखो निकल ही नहीं रही है। अपाचे 4V, फिर N160, फिर 180। अच्छा ये आगे है? हाँ सबसे आगे है। तो गाइस जो भी रिजल्ट था, मैंने लड़के से पूछा, सबसे पीछे अपाचे 4V थी, उसके बाद N160 थी पुरानी वाली, और फिर उसके बाद अपाचे 180 2V थी, फिर सबसे आगे थी N160 नई वाली। तो गाइस आप लोग कैसी लगी बैटल, नई नई बाइक हम लोग लेके आ रहे अपने चैनल पे, तो सब्सक्राइब करे रहिए, और इसकी वो सेपरेट वीडियो भी सबके साथ मिल जाएंगी, जाके देख लीजिएगा। तो गाइस कैसी लगी आप लोगों को वीडियो, अगर अच्छी लगी तो लाइक से सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।